यस हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक भी है। मतलब कि सभी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं पे प्री प्रोसेसर को जानने में इच्छुक होते हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे करना है या फिर इसको कैसे यूज करना है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्री प्रोसेसर, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रोसेस होने से पहले, तो प्री प्रोसेसर के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोगों में से जो भी लोग आ गए हैं जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए, लाइव आ जाइए और एक बार मैसेज भेज दीजिए कि आप लोगों को वॉइस ऑडिबल है प्रॉपरली। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सार्थक गुड इवनिंग, ठीक है, वॉइस ऑडिबल है आप लोग को सभी को, क्लास स्टार्ट करें। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और प्री प्रोसेसर होता क्या है, देखिए जब भी हम कभी कोई सी लैंग्वेज का कोड लिखते हैं, ठीक है, तो जब भी अगर हम कोई सी लैंग्वेज का कोड लिखते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं पर हमें पता है कि उसकी स्टेप्स क्या होती है। उसकी स्टेप्स होती है कि हमारा जो प्रोसेसर, जो हम सी लैंग्वेज का कोड लिखते हैं क्योंकि वो मशीन कोड में नहीं होता है, तो कंपाइलर पहले उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। लेकिन जब वो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है तो कुछ लाइब्रेरी फाइल्स के कोड उसके अंदर होते हैं जिसको कि लिंकर लिंक करके सोर्स कोड में कन्वर्ट करता है, डॉट ईएक्सई फाइल में कन्वर्ट करता है। और वो जो डॉट ईएक्सई फाइल है उसको आप एग्जीक्यूट करते हो, उसको जिसको कि हम एग्जीक्यूटेबल फाइल बोलते हैं। ये प्रोसेस आप लोगों को पता है, लेकिन इसमें एक चीज और होती है जो कंपाइलर से पहले चलती है, वो कहलाता है प्री प्रोसेसर। तो आज हम लोग प्री प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे। तो प्री प्रोसेसर होता क्या है उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। प्री प्रोसेसर कब स्टेप में, कब पिक्चर में आता है हम वो समझते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमने ये सोर्स कोड लिखा, यहाँ पर लिखा है माई डॉट सीपीपी। अब ये सी प्लस प्लस की बात हो चाहे सी लैंग्वेज की बात हो, एक ही है, तो आप इसको डॉट सीपीपी की जगह डॉट सी मान के समझ सकते हो। तो आपने कोई भी सोर्स कोड लिखा है, आपने कोई सा भी प्रोग्राम लिखा है सी लैंग्वेज में, तो उसका एक्सटेंशन होता है डॉट सी, ठीक है। तो आपने अपना एक प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम का आपने कोई भी नाम रख लिया और उसका एक्सटेंशन रख दिया डॉट सी। एक्सटेंशन से ये पता चलता है कि वो फाइल जो है वो किस चीज की फाइल है। तो अगर हम डॉट सी लिखते हैं तो इससे समझ में आता है कि ये जो फाइल है इसके अंदर सी लैंग्वेज का कोड लिखा हुआ है। अब क्या होता है कि जब भी हम कोई जब कोड लिखते हैं तो कोड में हम कई तरह की चीजें लिखते हैं। आप लोगों को जैसे कि जनरली अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं हेलो प्रिंट करने का, तो हम हेलो प्रिंट करने का प्रोग्राम क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड। नॉर्मली हम लिखते हैं हैश इंक्लूड और हम एक हेडर फाइल इंक्लूड कराते हैं stdio.h हेडर फाइल, ठीक है। उसके बाद में हम कुछ और हैश की फाइल्स और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो कि हैश डिफाइन हम लिख सकते हैं, ठीक है। हैश डिफाइन क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो हैश डिफाइन में जैसे कि मान लो मैंने ए लिख दिया और ए की वैल्यू लिख दी यहाँ पर 10। फिर मैंने यहाँ पर अपना मेन फंक्शन लिखा और मेन फंक्शन में यहाँ पर मैंने कोई एक वेरिएबल बना दिया मान लो इंट एक्स, और एक्स में मैं असाइन करता हूँ जैसे कि ए, और फिर प्रिंटएफ से मैं एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ। अब ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है लेकिन इसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने एक्स की वैल्यू प्रिंट करा दी। अब अगर आप इस प्रोग्राम में देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। एक अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर ये जो दो लाइनें लिखी हुई है ये हैश से लिखी हुई लाइनें हैं जिनको कि हम मैक्रोज वगैरह बोलते हैं, मैक्रोज या फिर इंक्लूजन बोलते हैं, ठीक है। तो मैक्रोज यहाँ पर है, उसके बाद आपका ये फंक्शन है और यहाँ पर आपका प्रिंटएफ फंक्शन है जो कि एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है, जो कि एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका कोड जो है वो किसी दूसरी फाइल में लिखा हुआ है, किसी और लाइब्रेरी फाइल में लिखा है। तो जब इस कोड को जब चलाना होता है कंपाइलर को, जब कंप्यूटर को इस कोड को समझना होता है, तो आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो इसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। मशीन कोड में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि आप आसान भाषा में समझने के लिए आप कह सकते हो कि ये 0101 की फॉर्मेट में ये पूरा जो कोड है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या ये पूरा कोड 0101 के फॉर्मेट में डायरेक्टली चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जो हमने लिखा है, जो हमने खुद ने लिखा है, जैसे कि मेन फंक्शन मैंने लिखा है, एंड एक्स वेरिएबल मैंने बनाया है, तो जो कोड हमने लिखा है वो तो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, कंपाइलर इसको तो समझ लेगा। लेकिन कंपाइलर किन कोड को नहीं समझ सकता, तो जो हैश से लिखी हुई बातें हैं वो कंपाइलर नहीं समझ सकता, और प्री प्रिंटएफ फंक्शन क्या काम करता है वो भी कंपाइलर को नहीं पता है। अब ये बातें कैसे पता चलेगी, तो प्रिंटएफ फंक्शन का जो काम है, प्रिंटएफ फंक्शन का जो कोड है वो किसी दूसरी फाइल में लिखा हुआ है और वो दूसरी फाइल का नाम है लाइब्रेरी फाइल, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड stdio.header फाइल जिसको कि हमें हेडर फाइल से इंक्लूड कराते हैं, लेकिन वो उसका कोड का लिखा होता है लाइब्रेरी फाइल में, तो उस लाइब्रेरी फाइल को हमें हमारे कोड में इंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब कि हमने प्रिंटएफ का भले ही कोड ना लिखा हो, लेकिन जब ये कंपाइलर, जब ये मशीन कोड में कन्वर्ट होगा तो प्रिंटएफ का जो कोड है वो भी हमारे फाइल में आ जाना चाहिए,
तभी हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली चल पाएगा। लेकिन इस प्रिंट एफ का जो कोड है वो कहां लिखा है, वो किसी एक दूसरी लाइब्रेरी फाइल में लिखा है जिसको कि लिंकर जो है लिंक करेगा। ठीक है, तो कंपाइलर का काम क्या है, कंपाइलर का काम है जो हमने कोड लिखा है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कि ऑब्जेक्ट कोड बना देगा। और लिंकर क्या करेगा, जो कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ, इस तरह के जो हम प्री डिफाइंड फंक्शंस हम यूज कर रहे हैं जो किसी और लाइब्रेरी फाइल में लिखे हैं उसको हमारी फाइल में इंक्लूड करने का काम करेगा। तो कंपाइलर और लिंकर का क्या काम करेंगे, आपको समझ में आ गया, कंपाइलर का काम है जो भी हमने कोड लिखा है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना, और लिंकर का काम है ऐसे कोई फंक्शन जो कि प्री डिफाइंड है जिनके की जिनका कोड किसी और फाइल में लिखा है उनको लिंक करके हमारे कोड में लेकर आना। लेकिन ये जो हैश डिफाइन वाली लाइन लिखी है, हैश इंक्लूड वाली लाइन लिखी है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हैश डिफाइन मतलब कि हम कोई एक कॉन्स्टेंट अपना खुद का बनाना चाहते हैं ए, जो कि हम पूरी फाइल में रिप्लेस करना चाहते हैं। ऐसे और भी कई सारी फाइल्स हो सकती है, तो जो भी हैश से लिखी हुई लाइन्स होती हैं जिनको कि हम मैक्रोज वगैरह भी बोल सकते हैं, इनको समझने के लिए कंपाइलर से पहले एक सॉफ्टवेयर चलता है जिसका नाम है प्री प्रोसेसर। तो कंपाइलर के चलने से पहले प्री प्रोसेसर चलता है और वो जितनी भी हैश वाली लाइन है उनको चलाने का काम है। तो प्री प्रोसेसर क्या करेगा कि जितनी भी हमने हैश से लाइन लिखी हुई होगी उसको पहले चलाएगा, और वो क्या करेगा, वो इनका मतलब जो है वो इंक्लूड कर देगा। मतलब कि हैश डिफाइन अगर हमने ए लिखा है और ए का मतलब अगर हम 10 लिख रहे हैं तो जब कंपाइलर के पास कोड जाएगा तो उसके पास ये हैश वाली कोई लाइन नहीं जाएगी। प्री प्रोसेसर क्या करेगा कि जहां पर भी हमने ए लिखा है वहां पर वो लिख देगा 10, वहां पर वो क्या लिख देगा 10, और जब कंपाइलर के पास जब वो कोड जाएगा तो कंपाइलर के पास ये वाला कोड जाएगा जिसमें कि ए की जो वैल्यू है 10 वो ऑलरेडी लिखी हुई है। मतलब कंपाइलर को पता ही नहीं चलेगा कि यहां पर ए लिखा था, वो क्या समझेगा कि यहां पर 10 लिखा है। तो ये है प्री प्रोसेसर का काम कि जो भी सोर्स कोड होता है प्री प्रोसेसर उसको प्री प्रोसेस कर देता है सोर्स कोड को, और जो भी उसको इंक्लूड करना है, जो भी हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, जो भी हैश डिफाइन से हमने मैक्रोस बनाए हैं उन सबको वो रिप्लेस कर देता है, और उसके बाद कंपाइलर अपना काम करता है और लिंकर अपना काम करता है, और इस तरह से हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल रेडी हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया कि प्री प्रोसेसर क्या है, जो कंपाइलर से भी पहले चलता है वो सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर, और वो कौन सी लाइन को एग्जीक्यूट करता है, जिन लाइन्स में हैश लिखा हुआ है, हैश से लिखी हुई लाइन्स को प्री प्रोसेसर चलाता है। ये बात आ गई समझ में। अरविंद कुमार, हेलो सर, थैंक यू सो मच, यू क्लियर माय सी लैंग्वेज कॉन्सेप्ट इन वेरी इजी वे, आई रिक्वेस्टेड यू टू मेक वीडियोस ऑन DSSB TGT कंप्यूटर साइंस सिलेबस टू प्लीज। देखो जो अरविंद, बहुत अच्छा आपने बोला है, लेकिन TGT और DSSB के लिए जो कोर्स में जो चीजें आती है वो मेरे ऑलरेडी एक पेड कोर्स में बनी हुई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो पेड कोर्स आप ले सकते हो अगर आपको इनडेप्थ पे पढ़ना है, और बाकी जो मैं यहाँ पर क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ ये भी आप लोग के बहुत काम आएगी। इसमें भी जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, जो ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, वो भी आपके TGT और DSSB में आपके काम आएगी, डेफिनेटली आएगी। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी उसके लिए तैयारी कर रहे हैं TGT वगैरह की, वो ऑलरेडी उस कोर्स से लेकर पढ़ रहे हैं, तो आप चाहो तो पेड कोर्स लेकर भी पढ़ सकते हो, ऑलरेडी वो बना हुआ है जो कि आपके एग्जाम में हेल्प कर देगा। एक बार और शॉर्ट में बता देता हूं मैं प्री प्रोसेसर का वर्किंग क्या है। तो प्री प्रोसेसर क्या करता है, जो भी हमने ये कोड लिखा है उसमें से हैश से लिखी हुई लाइंस को वो प्रोसेस करेगा और उनको रिप्लेस कर देगा हमारे कोड में। मतलब जहां पर भी हैश इंक्लूड लिखा है, तो हैश इंक्लूड अगर stdio.h लिखा है तो वो क्या करेगा, हेडर फाइल को इंक्लूड कर देगा कंपाइलर चलने से पहले। तो stdio.h हेडर फाइल के अंदर जो भी लाइन का कोड लिखा है वो यहां पर लिख देगा। हमने हैश डिफाइन ए की जगह 10 लिखा है तो जहां जहां पर ए लिखा हुआ दिखेगा वहां पे वो 10 लिख देगा, और हैश वाली लाइंस फिर सारी चले जाएंगी। तो अब हैश वाली लाइन चले जाएंगी और उनकी जगह पर उनका जो कोड है वो इस हमारी फाइल में आ जाएगा, ये प्री प्रोसेसर करेगा। तो जब कंपाइलर के पास कोड जाएगा तो वहां पर हैश वाली कोई लाइन नहीं होगी, वहां पर ओरिजिनली जो कोड है वो यहां पर आ चुका होगा। तो अगर मान लो कि हमारे पास 4 लाइन का कोड है और stdio.h में अगर 100 लाइन का कोड लिखा है तो 104 लाइन का जो कोड है वो कंपाइलर के पास जाएगा, और कहीं पर भी हैश डिफाइन ए नहीं आएगा, जहां जहां पर भी ए लिखा है वहां पर 10 आ जाएगा। मतलब जो भी हम मैक्रोज यूज करके जो भी हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं वो यहां पर आ जाता है। तो इस तरह से प्री प्रोसेसर चलता है, प्री प्रोसेसर अपना काम पहले कर देता है, वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर भी एक सॉफ्टवेयर है, लिंकर भी एक सॉफ्टवेयर है, तो ये सभी एक सॉफ्टवेयर है, तो ये सब सॉफ्टवेयर मिलकर हमारा पूरा काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स मिलकर अपना अपना काम करते हैं जो कि हमारे सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाने में या फिर उसको चलाने में हमारी हेल्प करते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं।
अब सी प्री प्रोसेसर जो होते हैं उसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं मैक्रो एक्सपेंशन। मैक्रो एक्सपेंशन क्या होता है? हाँ, मैक्रो के बारे में आप एक एक चीजें मैं एक एक करके डिटेल में बता रहा हूँ। तो हम सबसे पहले देखते हैं मैक्रो एक्सपेंशन क्या होता है। जब भी कभी हम लिखा हुआ देखे हैश डिफाइन, ठीक है, पहले हम सिंटेक्स समझते हैं कि क्या लिखा जाता है, मैक्रोस कैसे बनाया जाता है। हम लिखते हैं हैश डिफाइन, बिना स्पेस दिए हैश डिफाइन लिखना चाहिए। डिफाइन का डी स्मॉल लेटर होगा, फिर हम एक स्पेस देंगे और यहाँ पर कोई भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे, और वो जो स्टेटमेंट लिखेंगे उसमें कहीं पर भी स्पेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लो हमने लिख दिया नम, तो नम हमने एक नाम लिख दिया, अधिकतर हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं ताकि हमें कोड में जब भी हम कैपिटल लेटर में कुछ भी चीज लिखी हुई होती है तो हम समझ जाते हैं कि ये मैक्रो होगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन सजेस्ट किया जाता है कि आप जब भी मैक्रो बनाते हो तो उसके सारे जो लेटर्स हैं वो कैपिटल लेटर लिखो, ठीक है, ऐसा सजेस्ट किया जाता है ताकि उसमें कोड में कहाँ कहाँ पे आपने मैक्रो यूज किया है उसको देखकर ही आपको समझ में आ जाए, और उसके बाद स्पेस देकर उस मैक्रो की जगह पर क्या रिप्लेस होना है वो पूरा स्टेटमेंट लिखते हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे लिख दिया 10, लास्ट में सेमीकॉलन नहीं लगाते हैं। तो अब क्या होगा, जब प्री प्रोसेसर यहाँ पर इस लाइन को देखेगा हैश डिफाइन, जैसे ही वो हैश डिफाइन देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ये मैक्रो है, और वो क्या करेगा, आपने अपने कोड में जहां पर भी नम लिखा होगा कैपिटल लेटर में उस नम की जगह पर वहां पर वो 10 लिख देगा। एक तरीके का कॉन्स्टेंट हो गया वो, कि आप जैसे कि इंट कॉन्स्ट बनाते हैं, कॉन्स्ट इंट, अगर आपने कभी कॉन्स्ट इंट देखा होगा तो मान लो आपने कॉन्स्ट इंट नाम का एक वेरिएबल बना दिया नम, और उसकी जगह पर आपने असाइन कर दिया 10। तो इस तरह का वेरिएबल बनाने का क्या मतलब हो जाता है कि जहां पर भी आप नम लिखोगे वहां पर 10 रिप्लेस हो जाएगा और ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर भी एक तरीके का कांस्टेंट वेरिएबल बनाने का ही एक ये तरीका है। लेकिन कांस्टेंट वेरिएबल बनाने की एक लिमिटेशन है कि हम सिर्फ वेरिएबल ही बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो लिमिटेशन हट गई है, यहाँ पर हम कोई स्टेटमेंट भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि दूसरा एक स्टेटमेंट देखो, यहाँ पर हमने लिखा हैश डिफाइन बिना स्पेस दिए, और फिर एक स्पेस देने के बाद हमने कोई एक स्टेटमेंट लिख दिया जिसमें कि हमने स्पेस नहीं देंगे। जब हम स्टेटमेंट लिखेंगे तो इसमें स्पेस नहीं देंगे, स्क्वायर एक्स, और फिर एक स्पेस दे के हमने लिख दिया एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब इसका मतलब क्या होगा कि जहां पर भी स्क्वायर एक्स हम फंक्शन में लिखेंगे, जहां पर भी हमारे कोड में हम स्क्वायर एक्स लिखेंगे, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स। मतलब कि अब ये एक तरीके का फंक्शन जैसा काम करेगा। फंक्शन में हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं, मान लो कि मैंने एक स्क्वायर नाम का फंक्शन बनाया, उसके अंदर मान लो मैंने लिख दिया इंट आई, और फिर मैं रिटर्न कराना चाह रहा हूं क्या, i into i की जो वैल्यू होगी वो मैं रिटर्न करना चाह रहा हूँ। तो ये मुझे पूरा फंक्शन बनाना पड़ेगा, लेकिन इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। अब फंक्शन और इसमें क्या डिफरेंस हो जाएगा, जब हम फंक्शन बनाते हैं ना तो फंक्शन जब भी कॉल होता है तो फंक्शन को मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है, फंक्शन को अपनी मेमोरी एलोकेट होगी, फंक्शन अपना काम करेगा और फिर उसकी मेमोरी रिलीज हो जाएगी। लेकिन जब हम मैक्रो बनाते हैं तो वो फंक्शन जैसा दिखता है लेकिन वो फंक्शन जैसा वर्क नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं होता कि स्क्वायर नाम का फंक्शन कॉल हुआ तो उसको मेमोरी मिलेगी, फिर वो अपना काम करेगा, कंट्रोल स्क्वायर फंक्शन के पास आएगा, वो अपना काम करेगा, फिर कंट्रोल दोबारा से रिटर्न होगा, ऐसा नहीं है। जो हमारा मेन फंक्शन है, अगर हम मान लो कि मैंने मेन फंक्शन के अंदर मैंने स्क्वायर लिखा है तो मेन फंक्शन के अंदर ही उसको मेमोरी एलोकेट होगी, अलग से कोई फंक्शन कॉल नहीं होगा। मतलब प्री प्रोसेसर क्या करेगा, पहले ही वो जहां जहां पर भी उसको स्क्वायर एक्स दिखेगा उसकी जगह पर वो एक्स इंटू एक्स लिख देगा। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि अगर मान लो मैंने 10 जगह पर एक्स इंटू एक्स लिखना था लेकिन मैंने सिर्फ एक जगह पर लिख दिया और बाकी सब जगह पे स्क्वायर एक्स लिख दिया। अब मान लो मुझे फ्यूचर में अगर स्क्वायर एक्स का कोड जो है वो चेंज करना है, मान लो मुझे लिखना है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो मुझे पूरे कोड में चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपने इस लाइन के कोड में ही चेंज कर दूंगा और मेरा पूरे कोड में सब जगह पर एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स आ जाएगा। तो ये बिल्कुल फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। फंक्शन में भी हमें यही फायदा मिलता था कि जब भी हम फंक्शन बनाते थे तो हमारा फायदा ये होता था कि हमें हर जगह पर चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम हमारे कोड में ही एक जगह पर चेंज कर देंगे फंक्शन में, और जहां जहां पर वो फंक्शन कॉल हुआ है उन सभी जगह पर वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन फंक्शन बनाने का नुकसान क्या है, फंक्शन बनाने का नुकसान ये है क्योंकि हमें पता है कि जितनी बार फंक्शन कॉल होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ी देर के लिए अपने प्रोसेस को रोकना पड़ेगा, उसको ये देखना पड़ेगा कि रैम में कहाँ पर जगह मौजूद है, फिर वो उस नए फंक्शन को जिसको कि उसको कॉल कराना है उसको वो जगह देगा, उसको सारे रिसोर्सेज देगा, फिर फंक्शन अपना काम करेगा, फिर वो उसको रिटर्न करेगी उसकी वैल्यू, और फिर उन वो रिसोर्सेज को फ्री करेगा। तो
तो जितना टाइम लग रहा है उस फंक्शन को मेमोरी एलोकेट करने में और डी एलोकेट करने में, वो एक तरीके का ओवरहेड है, वो एक तरीके का क्या है, ओवरहेड है। तो जितना छोटा प्रोग्राम होगा, जितना छोटा हमने फंक्शन बनाया होगा, उसके कंपैरिजन में ये ओवरहेड ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि मान लो कि अगर उसके अंदर हम सिर्फ x इंटू एक्स करके रिटर्न कर रहे हैं उस फंक्शन में, तो x इंटू एक्स करने में कम टाइम लगेगा, लेकिन उस फंक्शन को कॉल करना, उसको मेमोरी एलोकेट करना, फिर उसका कंट्रोल रिटर्न करना, उसके सारे रिसोर्सेस को फ्री करना, उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि फंक्शन जैसा काम भी हमारा हो जाए और फंक्शन को कॉल कराने के लिए जो मेहनत लगती है वो भी ना लगे। तो उसका एक शॉर्टकट तरीका हो गया मैक्रोस। तो क्या होगा कि जहां पर भी हमने मान लो मेन फंक्शन हमने लिखा, और मेन फंक्शन में अगर मैंने मान लो कि वेरिएबल बना दिया इंट आई, उसके अंदर मैंने असाइन कर दिया 10, और फिर मैंने यहां पर लिख दिया कि स्क्वायर नाम का मैंने फंक्शन कॉल ना करा के मैक्रो लिख दिया, मैक्रो लिख दिया और यहां पर मैंने लिख दिया आई, तो अपने आप प्री प्रोसेसर क्या करेगा, जहां जहां पर भी स्क्वायर लिखा है, प्री प्रोसेसर उस कोड की जगह पर कंपाइलर को देने से पहले यहां पर लिख देगा आई इंटू आई। तो अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि अब फंक्शन कॉल हो ही नहीं रहा, तो मेन फंक्शन को जो मेमोरी एलोकेट हुई थी उसी के अंदर आई इंटू आई हो जाएगा और काम हो जाएगा, लेकिन हमें देखने में भी ऐसा लगेगा कि हमने फंक्शन कॉल किया है। तो फंक्शन कॉल होने का जो हमारा बेनिफिट था कि हमें एक ही जगह पर चेंज करना पड़े मॉडिफिकेशन के लिए, बाकी सब जगह पर चेंज ना करना पड़े, और जब भी हमें कॉल करना है तो सिर्फ हम उसका नाम लेके कॉल कर दें, पूरा स्टेटमेंट बार बार ना लिखना है, तो जो फंक्शन वाला बेनिफिट है वो भी हमें मिल जाएगा। लेकिन फंक्शन कॉल करने के लिए जो कंपाइलर को मेहनत करनी पड़ रही थी और टाइम किल हो रहा था, वो भी हमारा यहाँ पर बच जाएगा, क्योंकि अब फंक्शन कॉल होगा ही नहीं। हमें लग रहा है कि हमने फंक्शन बनाया है, लेकिन इंटरनली तो वो आई इंटू आई ही लिखा है, तो फंक्शन कॉल होगा ही नहीं। तो ये फायदा है मैक्रोस का, ठीक है। तो मैक्रोस दो तरीके के आप बना सकते हो, एक तो स्टैटिक मैक्रो बना सकते हो जिसमें कि आपने एक नम लिखा और उसकी वैल्यू आपने 100 असाइन कर दी, तो वह वैल्यू 100 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। और आप चाहो तो डायनामिकली ऐसा भी बना सकते हो कि यहाँ पर आपने कोई एक वेरिएबल बना दिया, तो जो यूजर वैल्यू एंटर करेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर यूजर ने कहा 5 तो 5 × 5 आ जाएगा, अगर यूजर ने कहा 10 तो 10 × 10 आ जाएगा। तो आप चाहो वेरिएबल स्पेसिफिक भी आप बना सकते हो। तो ये एक तरीके का स्टैटिक हो गया और एक तरीके का डायनामिक हो गया। आप कोड में कैसे लिखोगे, तो जब भी आपको कोड में लिखना है, तो मान लो कि आपने ऐसा लिखना है कि x इंटू एक्स को कंपेयर करना है, मान लो आपको कोड लिखना है कि x मल्टीप्लाई बाय x जो है क्या वो लेस देन इक्वल टू है 100 के, तो अब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप x इंटू एक्स ना लिख के क्या लिख दोगे, स्क्वायर ऑफ आई लिख दोगे, तो अपने आप क्या हो जाएगा, कंपाइलर जब कोड चलाएगा तो उसको प्री प्रोसेसर क्या देगा, प्री प्रोसेसर उसको ये लिख के दे देगा कि आई इंटू आई लेस देन इक्वल टू नम की जगह वो 100। तो प्री प्रोसेसर क्या करेगा कि जब वो कंपाइलर को ये कोड देगा तो वो ये कोड नहीं देगा, वो ये कोड देगा, और फिर कंपाइलर क्या करेगा, फिर कंपाइलर इसको पढ़ेगा और फिर इसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कि 0-1 के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर देगा। आई बात समझ में? तो कंपाइलर को कौन सा वाला कोड दिखेगा, ये वाला कोड दिखेगा, आई इंटू आई लेस देन इक्वल टू 100, लेकिन लिखा हमने क्या है ये। और फंक्शन के केस में क्या होता, फंक्शन के केस में फंक्शन ही लिखा हुआ रहता और कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता और फिर फंक्शन कॉल करता। तो ये डिफरेंस है प्री प्रोसेसर में और नॉर्मल फंक्शन या फिर कॉन्स्टेंट बनाते हैं इसमें, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा कि प्री प्रोसेसर में मैक्रोस क्या होता है और वो कैसे बनाया जाता है। ये बात क्लियर है? टेस्ट का क्वेश्चन जो आता है अर्गा, वो संडे को आता है, ठीक है। और जो पुराने टेस्ट है वो ओपन है, वो आप चाहो तो दे सकते हो ऐप में, पुराने टेस्ट आप दे सकते हो, जो न्यू टेस्ट है वो संडे के दिन आता है, ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक आई थिंक क्लियर होगा। अब दूसरा होता है हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड आपने लिखा हुआ देखा होगा, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, ये लोग आप लोग यूज करते थे, ठीक है। पुराना टेस्ट मिल जाएगा, आप अच्छे से ऐप में जाओ, ऐप में टेस्ट वाले टैब में जाओ तो आपको दिख जाएंगे, 2-3 टेस्ट ऑलरेडी पुराने अपलोडेड हैं, वो आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो हैश इंक्लूड लिखने का दो तरीके होते हैं, एक तरीका तो आप लोग हमेशा लिखते ही हो हैश इंक्लूड stdio.h लिखने का, जो सबको पता होगा, जो मोस्ट फेमस है और सबसे ज्यादा यूज में आता है, हैश इंक्लूड stdio.h एंगल ब्रैकेट में हम लिखते हैं, एंगल ब्रैकेट में लिखते हैं, ये एक तरीका है
जो आप सब लोग जानते हो। एक और तरीका भी होता है हैश इंक्लूड लिखने का, कि हमने यहाँ पर हैश इंक्लूड लिखा, डबल कोट लगाया, यहाँ पर हमने लिख दिया stdio.h, जो भी हमारी हेडर फाइल है, जरूरी नहीं कि stdio.h, जो भी हमने हेडर फाइल बनाई है वो, और इसको डबल कोट में लिख दिया। तो आप एंगुलर ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, डबल कोट में भी लिख सकते हो, दोनों तरीका सही है और दोनों तरीका वैलिड है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझ लेते हैं। तो आप चाहो तो डबल कोट में भी लिख सकते हो, जो भी आपकी फाइल होगी हेडर फाइल और उसका डॉट एक्सटेंशन, मान लो कि आपने अपनी फाइल का नाम रखा है ए और उसका एक्सटेंशन जो है वो सी है, तो आप ए डॉट सी लिख सकते हो। तो जो भी आपका फाइल और उसका एक्सटेंशन होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हो डबल कोट में भी, और चाहो तो आप एंगुलर ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। जब आप डबल कोट में लिखते हो तो इसका मतलब क्या होता है, दिस कमांड द प्री प्रोसेसर टू लुक फॉर द फाइल ए डॉट सी इन द करेंट डायरेक्टरी एज वेल एज द स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज mentioned in the search path that might have been set up। ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है, आप अपने compilers की setting वगैरह में जाओगे, ठीक है, वो आपको setting search करनी पड़ेगी। तो एक setting tab होता है जहां पर आप अपनी जो जो directives जहां पर search करना है उसका path आप mention कर सकते हो, मतलब आप बता सकते हो कि आपके computer में कौन सा path है जहां पर header file या फिर लाइब्रेरी फाइल या फिर आपकी ये जो इंक्लूड करने वाली फाइल है वो कहां पर रखी हुई है, आप वो पाथ मेंशन कर सकते हो अलग से। तो क्या होगा, अगर मान लो कि पाथ मेंशन नहीं किया है, अगर पाथ मेंशन नहीं किया है और डबल कोट में या एंगुलर ब्रैकेट में अगर आप लिखते हो, तो सिर्फ वो करंट डायरेक्टरी को सर्च करता है या फिर स्पेसिफाइड लिस्ट को सर्च करता है। ठीक है, अब अगर मान लो कि डबल कोट में लिखा है तो वो दोनों जगह सर्च करेगा, करंट डायरेक्टरी में भी सर्च करेगा और जो आपने पाथ मेंशन किया गया है कि ये चार लोकेशन है, ये चार फोल्डर है, इन फोल्डर्स में भी चेक करना, तो वो इन दोनों जगह पर चेक करेगा। लेकिन अगर आपने एंगुलर ब्रैकेट में लिखा है तो वो सिर्फ जो आपने पाथ मेंशन किया है लिस्ट में सेटअप करते समय, सिर्फ वो वहीं पर ही चेक करेगा, आपकी करंट डायरेक्टरी में चेक नहीं करेगा। द फाइल ए डॉट सी इज लुक्ड अप इन द स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ डायरेक्टिव्स, मतलब कि जहां पर आपने स्पेसिफिकली बताया है सिर्फ उसी फाइल को वो चेक करेगा, बाकी कहीं पर चेक नहीं करेगा। लेकिन करंट डायरेक्टरी का मतलब ये है कि आपने अगर कोई पाथ बताया नहीं है, मान लो कि आपने अपनी फाइल जो आप चला रहे हो, कोई भी आपने प्रोग्राम बनाया, untitled.1 आपने प्रोग्राम बनाया और उसको आपने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, तो अब डेस्कटॉप जो है वो आपकी करंट डायरेक्टरी बन गई। अब अगर मान लो कि आपने कोई दूसरी फाइल इंक्लूड करानी है, मान लो कि आपको कोई abc.c नाम की कोई फाइल इंक्लूड करानी है और उसको भी आपने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया है और आपने उसका पाथ जो है वो सेटअप नहीं किया है, और अगर आपने उसको डबल कोट में लिख दिया, तो आपको सेटअप करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी स्पेसिफाइड लिस्ट तो चेक होगी ही होगी, और आपने करंट डायरेक्टिव जहां पर आपका सी का प्रोग्राम स्टोर है वहां पर भी अगर आपने कोई फाइल इंक्लूड रखी हुई है तो वो भी वहां पर इंक्लूड कर लेगा अपने आप, अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों में फर्क है। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर आप ऐसा सोच सकते हो कि अगर आपने डबल कोट लिख दिया है तो वो एंगुलर ब्रैकेट वाला काम करेगा, लेकिन एंगुलर ब्रैकेट में लिखा है तो वो डबल कोट वाला काम करे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपने एंगुलर ब्रैकेट में लिखा है तो वो करंट डायरेक्टिव में सर्च नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने डबल कोट में लिखा है तो वो करंट डायरेक्टिव में भी सर्च करेगा और जो आपने पाथ मेंशन किया है वहां पर भी सर्च करेगा। तो ये दोनों डिफरेंस होता है। और हैश इंक्लूड हम क्यों करते हैं, हैश इंक्लूड इसलिए करते हैं क्योंकि हमने जो कोड लिखा है, और हो सकता है कि ऐसा कुछ कोड हो जो कि किसी दूसरी फाइल में लिखा हुआ है और उसको भी हमें अपनी फाइल में लेकर आना है, तो हमें दोबारा से पूरा कोड वहां से कॉपी करके हमारे फाइल में पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ उस फाइल का नाम इंक्लूड करवा लेंगे तो अपने आप उस फाइल में जो भी कोड लिखा है वो हमारी फाइल में आ जाएगा, फिर हम उस फाइल का जो भी कोड है हमारी फाइल में भी यूज कर सकते हैं। ये फायदा होता है हैश इंक्लूड करने का। ठीक है, मान लो कि कोई दो लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, एक प्रोग्राम आपने बनाया, एक प्रोग्राम दूसरे ने बनाया, तो आप दोनों चाहो तो एक दूसरे की फाइल को इंक्लूड करके एक दूसरे के फंक्शन को यूज कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल, रेगुलर प्रैक्टिस में हम लोग एंगुलर ब्रैकेट ही लिखते हैं, डबल कोट नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम कोई एक्सटर्नल फाइल बना के इंक्लूड कराते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, प्रिंटएफ, स्कैनएफ, गेट सीएच, प्री डिफाइंड फंक्शंस हम यूज करते हैं, और उन प्री डिफाइंड फंक्शंस जहां पर रखे हुए हैं जिन लाइब्रेरी फाइल में, उसकी सेटअप फाइल, उनकी डायरेक्टिव जो है वो ऑलरेडी सेटअप होती ही है कंपाइलर में,
तो हमें अलग से सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ती है और हमें अधिकतर उन्हीं फाइल्स को ही इंक्लूड करना पड़ता है, एक्सटर्नली हमें कोई फाइल इंक्लूड कराने की जरूरत पड़ती नहीं है, इसलिए हम अधिकतर एंगुलर ब्रैकेट को यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें खुद की फाइल इंक्लूड करानी है तो या तो उन्हीं लाइब्रेरी फाइल या फिर जो पाथ सेटअप है या तो वहां पर स्टोर कराओ, और नहीं तो अगर करेंट फोल्डर में करा रहे हो तो फिर डबल कोट लगाओ। एक और फायदा भी ये हो जाता है डबल कोट ना लगाने का कि मान लो कि ऑलरेडी कोई फाइल क्रिएटेड है, ठीक है, और हमने भी गलती से उसी नाम की फाइल अगर हमने करंट डायरेक्टिव में रख दी तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। लेकिन अगर आपने एंगुलर ब्रैकेट लगाया है तो वो करंट डायरेक्टिव को सर्च ही नहीं करेगा, वो तो जो पाथ मेंशन है सिर्फ वहां पे जो फाइलें रखी है वो उसको देखेगा, आपकी करंट डायरेक्टिव में भी उसी नाम की फाइल होगी तो वो देखेगा ही नहीं, वो तो जो स्पेसिफाइड पाथ उसको पता है सिर्फ वो वहीं की फाइल को उठाएगा। मतलब कि अगर आपने stdio.h अपनी गलती से अगर आपने बना के अपने करंट डायरेक्टिव में बना भी दिया तो भी वो कंफ्यूज नहीं होगा, उसको पता है कि उसका जो पाथ मेंशन है सिर्फ वो उसको वहीं पर सर्च करना है, तो वो वही वाली फाइल इंक्लूड कराएगा, आपके करंट डायरेक्टिव वाली पाथ इंक्लूड नहीं कराएगा। इसलिए हम एंगुलर ब्रैकेट ज्यादातर यूज करते हैं, क्लियर है। हम अपनी भी हेडर फाइल बिल्कुल बना सकते हैं, ऐसा जरूरी है, हम अपनी लाइब्रेरी फाइल्स भी बना सकते हैं और उसको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, कंडीशनल कंपाइलेशन, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि कंडीशनल कंपाइलेशन क्या होता है। अपना सिलेबस तो जाएगा ना, बिल्कुल अपना सिलेबस होने ही वाला है, हम लोग बहुत ज्यादा खत्म कर चुके हैं, नेक्स्ट वीक में हमारा पूरा जो है लैंग्वेज खत्म हो जाएगा, हो सकता है उसके पहले भी हो जाए, और फिर अगला मैं सोच रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करने का, तो थोड़ा सा नयापन आ जाएगा, तो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट में स्टार्ट करने वाला हूँ वो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करने का मैंने प्लान किया, ठीक है, तो जहां तक है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम समझते हैं कंडीशनल कंपाइलेशन क्या होता है। अगर हमने लिखा हुआ है हैश इफ डेफ, अगर हमने लिखा हुआ है हैश इफ डेफ, तो हैश लिखा है तो हैश देखते से ही आपको समझ में आ गया कि ये प्री प्रोसेसर चलाने वाला कोड है, और हमने हैश इफ डेफ लिखा है और इसको खत्म करते हैं हम एंड इफ से, तो ये दो लाइन जब तक लिखी हुई होंगी तब जाकर ये कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। तीन चीजें होती है, हैश इफ डेफ, हैश एल्स और हैश एंड इफ। इसका क्या मतलब है, इससे पता चलता है कि इफ स्टेटमेंट कहां से स्टार्ट हुआ है, और इससे हमें पता चलता है कि इफ की बॉडी कहां पे एंड हुई है, क्योंकि हमने यहां पर कर्ली ब्रेसेस नहीं बनाते, कर्ली ब्रेसेस अगर हम बनाते तो हमें पता चल जाता कि इफ की बॉडी कहां से शुरू हुई है और कहां पे खत्म हुई है, लेकिन यहां पर हम कर्ली ब्रेसेस नहीं बना सकते हैश में, तो यहां पर हम हैश इफ डेफ लिखकर स्टार्ट कर देंगे और जहां पर खत्म करना होगा वहां पर हम हैश एंड इफ लिख देंगे। और अगर मान लो कि एल्स लिखना है, एल्स लिखना है या फिर एल्स इफ लिखना है, तो हम यहां पर इस तरह से लिखते हैं हैश एल्स या फिर हैश एल्स इफ, ये भी लिख सकते हो आप, हैश एल्स इफ भी लिख सकते हो अगर आपको इफ एल्स लिखना है तो, ठीक है। अब इफ एल्स का काम क्या होता है वो भी आपको पता है, इफ एल्स का काम क्या होता है कि अगर इफ अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला कोड चलेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला कोड नहीं चलेगा। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला कोड चलेगा, एल्स नहीं तो ये वाला कोड चलेगा, ठीक है। अगर ये वाला चलेगा तो ये वाला नहीं चलेगा, और अगर ये वाला नहीं चलेगा तो ये वाला चलेगा, तो ये इफ एल्स काम करता है। लेकिन हैश इन इफ डेफ कब लिखना चाहिए और कहां पे लिखना चाहिए ये हम समझते हैं, और ये कब ट्रू माना जाएगा और कब फॉल्स माना जाएगा। तो यहां पर हमें लगाना पड़ता है कोई एक लेबल, लेबल मतलब कि कोई एक मैक्रो क्रिएट करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर अगर आपने लेबल लिखा है तो लेबल एक तरीके का मैक्रो है, तो आपको यहां पर इसके पहले हैश डिफाइन भी करना पड़ेगा, यहां पर आपको हैश डिफाइन लेबल करना पड़ेगा और लेबल का कोई नाम यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। या तो हैश डिफाइन लेबल कर दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, तो यहां पर आपको लेबल को डिफाइन करना पड़ेगा कि हाँ ये है। अगर ये लेबल डिफाइन है तो ये कंडीशन ट्रू मानी जाएगी, और नहीं अगर आपने हैश डिफाइन वाली लाइन लिखी है तो इसको फॉल्स माना जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर हम तो हमेशा ही हैश डिफाइन लेबल लिखेंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है। अब पहले हम ये समझते हैं कि इसकी जरूरत कहां पर पड़ सकती है। मान लो कि आपको कोई एक ऐसा कोड लिखना है जो कि हो सकता है कि कभी कभी विंडोज, पुराना वाला जो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, विंडोज XP जिसको बोलते थे, उसमें वो चल जाएगा,
लेकिन हमारे विंडोज 10 में वो कोड नहीं चलेगा। लेकिन कोई कोड ऐसा हो सकता है जो आपके विंडोज 10 में तो चल जाए लेकिन एक्सपी में नहीं चले। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि विंडोज एक्सपी जो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था और विंडोज 10 जो कि नया ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कोई कोड ऐसा हो सकता है जो विंडोज एक्सपी में तो सपोर्ट करे लेकिन विंडोज 10 में सपोर्ट ना करे, और कोई ऐसा भी कोड हो सकता है जो विंडोज 10 में सपोर्ट करे लेकिन विंडोज एक्सपी में सपोर्ट ना करे। तो कई बार ऐसा सिनेरियो फंस जाएगा। तो क्या करोगे, क्या आप दो दो कोड अलग अलग बनाओगे क्या, कि विंडोज एक्सपी के लिए आपने एक अलग कोड बना दिया और विंडोज 10 के लिए अलग कोड बना दिया? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप कोड एक ही बनाओगे, आप कोड एक ही बनाओगे और उसमें कंडीशन लगा दोगे कि अगर विंडोज एक्सपी में अगर ये कोड चलेगा तो ये वाला कोड चलेगा, और अगर विंडोज 10 में अगर कोड चलेगा तो ये चलेगा। आपने अगर HTML CSS का कोड अगर करा होगा, अगर HTML CSS वगैरह अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी, तो आपने एक चीज देखी होगी कि वहां पर अलग अलग ब्राउजर में अलग अलग चीजें दिखती हैं। अगर मान लो कि आपने CSS अगर ढंग से यूज नहीं करा है, तो CSS HTML में कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर पे अलग तरीके से चलते हैं, क्रोम पे अलग चलते हैं और फायरफॉक्स पे अलग चलते हैं। मतलब कि अलग अलग ब्राउजर्स में वो जो UI जो दिखता है वो अलग अलग होता है। कहीं कहीं पर हो सकता है कि वो जावास्क्रिप्ट चल जाए, कहीं कहीं पर हो सकता है कि वो जावास्क्रिप्ट आपकी ना चले, ऐसा भी होता है। तो हम उस समय क्या करते हैं, हम वहां पर एक कोड लगा देते हैं जिसमें कि हम लिख देते हैं कि अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर अगर होगा तो ये वाला कोड चले, अगर क्रोम होगा तो ये वाला कोड चले, और अगर हमारा गूगल क्रोम होगा या फिर फायरफॉक्स होगा तो ये वाला कोड चले, सफारी होगा तो ये कोड चले। तो वहां पर HTML CSS में भी आपके पास एक ऑप्शन होता है जिसमें आप ये लिख सकते हो कि अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर पे अगर चल रहा है प्रोग्राम हमारा तो ये वाला कोड चले, गूगल क्रोम पे ये वाला कोड चले, फायरफॉक्स पे ये चले और सफारी पे ये चले। और ऐसा करने से फायदा क्या हो जाता है, ऐसा करने से हमारा जो कोड होता है, जो हमने बनाया हुआ होता है, वो सारे ब्राउजर्स को सपोर्ट कर जाता है। हमें हर एक ब्राउजर स्पेसिफिक अलग अलग कोड नहीं लिखना पड़ता, क्योंकि हमें क्या पता कि हमारी वेबसाइट जो ओपन करने वाला है वो कौन से ब्राउजर पे ओपन करेगा। हो सकता है कि वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ओपन करे, हो सकता है कि वो गूगल क्रोम पे ओपन करे, हो सकता है वो फायरफॉक्स सफारी किसी पे भी ओपन कर सकता है, ओपेरा वगैरह। तो हमें तो पता नहीं होता कि हमारी जो वेबसाइट है वो कहां पर कोई ओपन करेगा। अब हो सकता है कि वो कहीं किसी ब्राउजर पे सही से हमारी वेबसाइट ओपन हो, कहीं पर नहीं ओपन हो, तो फिर हमें वहां पर एक ही कोड ऐसा बनाना पड़ता है जो सारे ब्राउजर्स को सपोर्ट करे। तो वहां पर हम इस तरह की कंडीशन लगाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अगर मान लो हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, तो हो सकता है कि हमें क्या पता कि जिसको हम सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं वो विंडोज पुराने वाले एक्सपी में चलाएगा या फिर नए विंडोज 10 में चलाएगा, ये तो हमें पता नहीं होता। तो हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा एक कोड बना के रख सकते हैं जिसमें कि हमारा कोडिंग पूरी ही पूरी वही होगी, सिर्फ एक लाइन का कोड हम चेंज कर देंगे। क्या एक लाइन का कोड चेंज कर देंगे, मतलब कि हम कोड एक ही लिखेंगे, हम कोड एक ही लिखेंगे, लेकिन क्या करेंगे कि जब भी हम कोड बनाएंगे तो किसी को जब हम देंगे तो उसको हम दो कॉपी बना देंगे, दो कॉपी बना के दे देंगे। कोड हमारा एक ही है लेकिन उसकी हम दो कॉपीज बना देंगे, कॉपी वन और कॉपी टू, ठीक है। और उसके अंदर हम हमारा ये वाला कोड लिख देंगे, ये वाला जो हमारा कोड था ना, जो हमारा ये वाला कोड है, ये वाला कोड हम यहां पे लिख देंगे, हमारी इस मेन फाइल में हम ये वाला कोड लिख देंगे। अब इससे होगा क्या, अगर किसी फाइल में pcat अगर डिफाइन होगा, हैश डिफाइन से अगर pcat लिखा होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये कोड कैसे वर्क करता है, कि अगर ऊपर हैश डिफाइन pcat अगर लिखा हुआ मिल गया तो वो कंडीशन को ट्रू मानेगा और ये वाला कोड चलाएगा, और अगर उसको हैश डिफाइन pcat नहीं मिला तो वो ये वाला कोड चलाएगा। तो हमने कोड में ये लिखा, लेकिन यहां पर हम हैश डिफाइन नहीं लिखेंगे, यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम सिर्फ इतना कोड लिखेंगे, यहां पर हम हैश डिफाइन वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, यहां पर हम सिर्फ अपना इतना कोड लिखकर दे देंगे। अब इसकी दो कॉपी बनाएंगे, एक में हम हैश डिफाइन pcat लिखेंगे और एक में हम हैश डिफाइन pcat नहीं लिखेंगे, एक में हम हैश डिफाइन pcat लिख देंगे और एक में हम हैश डिफाइन pcat नहीं लिखेंगे। तो हमारा पूरा कोड वही का वही है, हमने कोई कोड में चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ एक फाइल है जिसमें हैश डिफाइन pcat लिख दिया और दूसरी में नहीं लिखा। तो अब क्या होगा, अब क्योंकि हैश डिफाइन pcat जिसमें लिखा है उसके लिए कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये विंडोज एक्सपी में चल जाएगा, तो हम कह देंगे कि हमारा जो ये वाला कोड है ये विंडोज एक्सपी को सपोर्ट करेगा। बस
इतना सा एक लाइन हमने लिख दिया और हम बोलने लगेंगे कि हमारा जो कोड है ये विंडोज एक्सपी को सपोर्ट करेगा, और यहाँ पर हमने क्योंकि हैश डिफाइन नहीं लिखा तो हम ये बोलेंगे कि हमारा जो ये वाला कोड है ये विंडोज 10 को सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने हैश डिफाइन पीकेट नहीं लिखा, तो यहाँ पर ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो फिर कौन सा वाला कोड चलेगा? विंडोज 10 वाला। मतलब कि हमने फाइल हमारी एक ही बनाई, हमने फाइल हमारी एक ही बनाई और इसमें दोनों तरह का कोड लिख दिया, विंडोज एक्सपी वाला भी और विंडोज 10 वाला भी। क्योंकि ऐसा थोड़ना है कि जो पूरा का पूरा कोड चेंज करना पड़ जाएगा, ऐसा थोड़ना होगा। मान लो कि हमने 1000 लाइन का कोड लिखा है तो बीच में से कोई एक दो लाइन का कोड ऐसा हो सकता है जो विंडोज एक्सपी के लिए अलग होगा और विंडोज 10 के लिए अलग होगा, बाकी कोड तो दोनों का सेम रहेगा। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, जो कोड में चेंज करना है वहां पर हम ये लिखेंगे, वहां पर हम ये हैश इफ डेफ लिख देंगे और बाकी कोड एज इट इज है। और जो कोड हमें विंडोज एक्सपी में चलाना होगा वहां पर हम हैश डिफाइन पीकेट लिख देंगे, दूसरे में नहीं लिखेंगे। तो ये विंडोज एक्सपी सपोर्टेड कोड हो जाएगा और ये विंडोज 10 वाला सपोर्टेड कोड हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आया कि ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है और कितना अच्छा काम हो गया। मतलब कि हमें पूरा कोड अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ हैश इफ डेफ लिखा और जिसके लिए हमें कोड लिखाना है चलाना है उसके लिए हमने हैश डिफाइन इंक्लूड कर दिया और हमारा काम हो गया। आ गया बात समझ में? तो कंडीशनल कंपाइलेशन क्या होता है, कहाँ पर यूज होता है और कैसे इसको चलाते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दी। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। पॉइंटर्स जो है वो इसके बाद स्टार्ट होगा, ठीक है? आ गई बात समझ में? क्लियर है यहां तक का कोड सब कुछ? चलिए, तो जितना मैंने आप लोग को बताया है इसको आप आज रिवाइज करिए, कल से हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, इसको पढ़िए, जितना भी आप लोग को मैंने बताया है प्री प्रोसेसर्स के बारे में और पढ़िए बुक्स वगैरह में से। अगर आपके पास कोई वेबसाइट अगर आप देखते हो तो वेबसाइट पे देखो, जो मैंने बातें कही है इसको समझो, कुछ प्रोग्राम्स बना के देखो खुद से जिसमें कि आप हैश इंक्लूड वगैरह लिखकर आप प्रोग्राम बनाओ, और फिर कल से हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए, थैंक यू ऑल।